वंदे मातरम दोस्तों, ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ साइंस अमरेली में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी छात्र मित्र छठी कक्षा में नए एडमिशन लेकर ऑक्सफोर्ड स्कूल में आप सभी ने नया एडमिशन लिया है, तो आज का ये आपका छठी कक्षा में हिंदी विषय का पहला वीडियो लेक्चर है। तो आप सभी स्कूल में नए विद्यार्थी हैं और पांचवी कक्षा से प्रमोशन होकर आप छठी कक्षा में पहुंचे हैं। तो दोस्तों, हिंदी विषय में आपको छठी कक्षा में जो आवश्यक जरूरी जो किताबें आप लोगों ने प्राप्त कर ली होगी या तो खरीद ली होगी, जो हमारा हिंदी विषय ऐसा है कि जो छठी कक्षा में पहले सत्र या तो पहले सेम और दूसरे सेम में अलग अलग किताब हमें पढ़नी होती है। तो अब हम पहले सेमेस्टर यानी कि प्रथम सत्र हिंदी का पाठ्य पुस्तक है, जिसमें कुल मिलाकर दोस्तों जो चैप्टर 7 दिए गए हैं, तो उन चैप्टरों का अध्ययन करने से पहले हमें थोड़ी जो पांचवी कक्षा में आप पढ़कर आए हुए हैं इसे एक व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक आज हमें समझना है, जो कि आप पांचवी कक्षा में उसे पढ़ चुके हैं। तो समानार्थी शब्द ऐसा हमारा पहला टॉपिक है, जो आप पांचवी कक्षा में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि भाई भाषा में, पाठ में, प्रकरण में या तो हमारे जीवन व्यवहार में कई ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही शब्द के कई अलग अलग यानी कि एक ही अर्थ वाले तो समान कई कई शब्द अधिक शब्द में दिखाई देते, जो एक ही समान अर्थ हो और शब्द अलग अलग हो फिर भी उसका अर्थ एक ही होता है। तो ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को हमें समझने के लिए जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर आपको इस टॉपिक को थोड़ा बोर्ड पर लिखकर दोस्तों समझना, आप भी अपनी किताब अपनी बुक में उसे लिखकर उसे समझना है। तो यहाँ पर अभी निम्नलिखित अविभाग और विभाग के वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित शब्दों के बारे में सोचो। तो यहाँ पर दोस्तों हम दो विभाग करते हैं, अविभाग और यहाँ पर दूसरा विभाग हमारा बहुविभाग। तो यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे, नदी का जल शुद्ध होता है। पहला वाक्य हम लिखे, नदी का जल शुद्ध होता है। उसी प्रकार यहाँ पर ब विभाग में दूसरा वाक्य, नदी का पानी शुद्ध होता है। तो ब विभाग यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद दूसरा वाक्य लिखते, मेरा बेटा ताकतवर है। दूसरा वाक्य, मेरा पुत्र ताकतवर है। तीसरा वाक्य है, यह गुलाब का फूल है।
फिर पांचवा वाक्य लिखते हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठा है, वृक्ष पर पक्षी बैठा है, पेड़ पर पक्षी बैठा है, फिर एक वाक्य लिखिए, भारत की भूमि पवित्र है, और एक वाक्य लिखते हैं, सूर्य की किरणें धरती पर आती है, सूरज की किरणें आती है। अब दोस्तों इन वाक्यों से, क्योंकि मैंने यहां पर कुछ वाक्य लिख दिए हैं कि भी देखते हुए समानार्थी शब्द क्या होता है, तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आप पढ़ चुके हैं। यहां नदी का जल शुद्ध होता है, नदी का पानी शुद्ध होता है। दोनों वाक्य देखिए, यहां पर जल शब्द का प्रयोग किया गया, यहां पर पानी का प्रयोग किया गया, तो दोनों शब्द जल या पानी, उन दोनों शब्दों का अर्थ समान है। पानी कहे तो यह और जल कहे तो भी यह। तो इसी प्रकार नदी का जल शुद्ध होता है, नदी का पानी शुद्ध होता है, तो इसी प्रकार से यहां पानी या तो जल दोनों समान अर्थ वाले शब्द है। तो इसी प्रकार से कई ऐसे शब्द है कि एक ही अर्थ वाले कई सारे शब्द हम भाषा में देखने को मिलते हैं। दूसरे वाक्य, मेरा बेटा ताकतवर है, मेरा पुत्र ताकतवर है, तो यहां बेटा कहे तो भी यह है, पुत्र कहे तो भी, दोनों शब्द का अर्थ एक ही है, समान ही है। बेटा कहे तो भी यह है, पुत्र कहे तो भी यह। गुलाब का फूल है, यह गुलाब का पुष्प है, दोनों शब्द यहां पर दोस्तों फूल पुष्प दोनों का अर्थ समान है। फिर सुदामा और कृष्ण दोस्त थे, सुदामा और कृष्ण सखा थे, दोस्त कहे या तो सखा कहे, दोनों समान अर्थ वाले शब्द है। वृक्ष पर पक्षी बैठा है, यहाँ पर वृक्ष तो यहाँ पर पेड़ पर पक्षी बैठा है। भारत की भूमि पवित्र है, यहाँ पर भारत की धरती पवित्र है। सूर्य की किरणें धरती पर आती है, यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं, सूरज की किरणें भूमि पर आती है,
अब देखिए आपको पता चल जाएगा कि ये प्रस्तुत जो यहाँ पर दिए गए वाक्यों को पढ़कर विभाग अ और विभाग ब दोनों के जो सामने दिए गए वाक्य को पढ़कर हमें पता चल जाता है कि भाई विभाग अ में यहाँ पर जो रेखांकित किए गए शब्द जल और पानी, बेटा और पुत्र, फूल और पुष्प, दोस्त और सखा, वृक्ष और पेड़, भूमि और धरती, यहाँ पर धरती और भूमि क्या है, भूमि और धरती, यहाँ पर भूमि और धरती, यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि भाई कि वे दोनों ये सातों उदाहरण में सभी शब्द हमें कैसे देखते हैं कि ऐसे एक ही अर्थ वाले कि भाई ये सभी शब्द क्या है, एक ही अर्थ वाले शब्द है, यानी कि इन सभी शब्दों में से एक ही अर्थ है तो समान अर्थ है, ऐसे एक ही अर्थ वाले शब्दों को क्या कहेंगे, समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्दों को एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में हम इसे कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, इससे भाषा की अभिव्यक्ति में सुंदरता आती है। दोस्तों भाषा ने अपनी अभिव्यक्ति श्रेणी अंदर सुंदरता लावा माटे अपने बोलता, चालता, लगता और घना बदा शब्दों अपने प्रयोग करी छे, त्यारे आवा समान अर्थ वाला शब्दों ने अपने शू कही छे, तो हम मित्रों अहीं आपणे व्याख्या लखी कि समान अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्दों को विद्यार्थी मित्रों तुमने ख्याल आई गई होगी कि भाई समान अर्थ वाला कि भाई शब्द अलग अलग से छता पण अर्थ एक ज सरखो छे, एक ज समान मळे छे, तेवा तमाम शब्दों ने आपणे समानार्थी शब्द अथवा तो एने पर्यायवाची शब्द तरीके पण ओळखवामां आवे छे। एवी ज रीते मित्रों अहींया तमारा पाઠ્યપુસ્તકની અંદર પણ એવા ઘણા બધા શબ્દો આપવામાં આવેલા છે, તો એ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપવામાં આવેલા શબ્દોને પણ તમે દાખલા તરીકે જગ તો જગત આવા શબ્દોની આપણે થોડીક સૂચિ લખી કે ભાઈ જગ તો શું કહેશું, એ રીતે કેટલાક શબ્દો આપણે લો માન તેજ महा क्या पसंद है तुमको, जो सबसा पसंद है तुमको, जो रा क्या पसंद है, स्वयं प्रसन्न, અનેક શબ્દો છે તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પણ આપેલા છે કે અહીંયા આપણને પહેલો શબ્દ આપવામાં આવ્યો છે જગ, તો જગત દુનિયા, પછી
लोक ने संसार पश्चिम मान तो आदर सम्मान आदर कौन कहवाय ने सम्मान स्थे तो प्रकाश देह ने शरीर पश्चिम महक એટલે सुगंध અસંખ્ય શબ્દો છે આપણી ભાષાની અંદર, આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર, આપણા વ્યવહારની અંદર. આપણે અવારનવાર મિત્રો આપણે અનુભવતા હોઈએ છીએ, જાણતા હોઈએ છીએ. તો હવે મિત્રો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ભાષાની અંદર આવા એક સરખા એક સમાન અર્થવાળા અલગ અલગ શબ્દો હોય છતાં પણ એનો અર્થ એક જ થતો હોય એવા શબ્દોને આપણે સમાનાર્થી શબ્દ અથવા તો પર્યાયવાચી શબ્દ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આપણે પાંચમા ધોરણની અંદર પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે શીખી ગયા છો, છઠ્ઠા ધોરણની અંદર પણ આ પ્રકારના આપણા વ્યાકરણની અંદર સમાનાર્થી શબ્દ અને પર્યાયવાચી શબ્દો છે આપણે આવશે, જે વ્યાકરણ આધારે નવા નવા શબ્દોનું તમને નવા નવા અર્થનું એક પ્રકારનું શબ્દ ભંડોળ વધારવા માટે, તમારું નોલેજ વધારવા માટે આવા નવા નવા શબ્દોની જાણકારી મેળવવી તમારા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલા માટે આપણે અહીંયા આજના પહેલા વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે શરૂઆત આપણે સમાનાર્થી શબ્દોથી કરી, અને હવે પછીના આગળના વિડીયો લેક્ચરની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો જે હિન્દીની અંદર પહેલું ચેપ્ટર છે, જે ચિત્રપાઠ સ્વરૂપે દયાનો શિકારી એવું ચિત્રપાઠ સ્વરૂપે આપવામાં આવેલું છે, તે પાઠથી આપણે આપણા આગળના અભ્યાસક્રમની આપણે શરૂઆત કરશું. પરંતુ તે પહેલાં તમને એક નાનકડી એવી સૂચના આપવામાં આવે છે કે ભાઈ તમારા પાઠ્યપુસ્તક છે તમે મેળવી લીધા છે, પરંતુ આપણે હિન્દીની અંદર જેમ જેમ આપણે આગળ ચેપ્ટર પૂર્ણ કરતા જઈએ તેમ તેમ તમને અહીંથી પીડીએફની અંદર ફાઇલની અંદર સ્ટડી મટીરિયલ મોકલવામાં આવશે, જેમાંથી તમારે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપવામાં આવેલા અભ્યાસના પ્રશ્નો છે તેમજ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એના ઉત્તરો તમારે સરસ રીતે તમારી પાકી બુકની અંદર સુંદર રીતે તમારે લખવાના છે. તમારી પાકી બુકની અંદર તમારે બે ભાગ અલગ અલગ બે વિભાગ કરવાના છે. પહેલા વિભાગની અંદર તમારે જે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આવતા જે પાઠના સ્વાધ્યાયના અભ્યાસના પ્રશ્નોનો પાઠ કરવાનો છે એ લખવાના છે. ત્યાર પછીના બીજા પાઠની અંદર આપણે વ્યાકરણ વિભાગ એટલે કે જે દાખલા તરીકે આપણે પેલું વ્યાકરણનો આ ટોપિક સમજે તો આ ટોપિકને તમારે વ્યાકરણ વિભાગનો ટોપિક સમજી અને તમારે એને બીજા પાઠની અંદર તમારી બુકની અંદર જે બીજો વિભાગ તમે પાડેલો છે એની અંદર તમારે સમાનાર્થી શબ્દો એવું એનું હેડિંગ બાંધવાનું અને પછી આ રીતના વિભાગ કરી પછી એની એક વ્યાખ્યા લખી પછી અહીંયા એ કેટલાક શબ્દોની માહિતી આપી ઉદાહરણ સ્વરૂપે આપણે એને લખી અને તૈયાર કરવાના. એ સિવાયના પાઠ્યપુસ્તકની અંદર એવા અન્ય શબ્દો તમે જાણવા મળે તો એની સૂચિ તમારે તૈયાર કરવાની છે. અને સાથે એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે પાઠ પહેલાની અંદર પહેલું ચેપ્ટર પૂરું થાય એનું મટીરિયલ મળે એટલે કે સ્વાધ્યાયના અભ્યાસના પ્રશ્નો છે એ અલગ પાઠની અંદર અને બીજા પાઠની અંદર તમારે વ્યાકરણ વિભાગના જે ટોપિક છે જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા છીએ તેમ તેમ તમારે એને લખવા. એટલે બુક આપણે હિન્દીની એક જ બનાવવાની છે 200 પેજનો પાકો છોકરો, પરંતુ એને બે પાઠ કરવાના. પહેલા પાઠની અંદર સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના જે પ્રકરણની અંદર આવતા અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના ઉત્તરો અને બીજા પાઠની અંદર વ્યાકરણ અને તેમજ આપણે લેખન વિભાગની અંદર આપણે કહાની લેખન, પત્ર લેખન, નિબંધ લેખન એવું આપણે લખાવીશું ત્યારે એ બીજા પાઠની અંદર તમારે તૈયાર કરવાનું છે. એટલે અહીંયા આપણે આ પહેલા વિડીયો લેક્ચરની અંદર થોડીક સામાન્ય માહિતી સાથે અને સામાન્ય આપણો નાનો એવો સરળ ટોપિક સમાનાર્થી શબ્દોની સમજૂતી પૂર્ણ કરી અને આપણે આજે આપણો આ પહેલો વિડીયો લેક્ચર છે મિત્રો પૂર્ણ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.